10 सितंबर 1976 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट बोइंग 737 कुल 77 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर के साथ दिल्ली एयरपोर्ट से जयपुर के लिए उड़ान भरता है, लेकिन दिल्ली से महज 35 मील की दूरी और 8000 फीट की ऊंचाई पर कुछ ऐसा होता है जिससे विमान का रुख जयपुर से पाकिस्तान के लाहौर की ओर मुड़ जाता है। दरअसल यह विमान टेररिस्ट द्वारा हाईजेक कर लिया गया था। हैरानी की बात यह है कि इस घटना के इतने वर्ष बाद भी हाईजेकर कौन थे और उनका मकसद क्या था, यह आज भी एक राज ही बना हुआ है। हाईजेकर्स विमान को लीबिया ले जाना चाहते थे, मगर ईंधन की कमी से प्लेन को लाहौर ले जाते हैं और रात होने की वजह से लाहौर में ही रुकना पड़ता है। सुबह होते ही पाकिस्तानी आर्मी पैसेंजर और पायलट को बताती है कि उन्होंने हाईजेकर्स को पकड़ लिया है, पर उन्होंने अपराधियों को भारत को सौंपने से इनकार कर दिया। बाद में पाकिस्तान सरकार ने सबूत न होने का हवाला देकर पांचों हाईजेकर्स को रिहा कर दिया।